गुड मॉर्निंग क्लास, स्टार्ट करते हैं अपन विद द लास्ट वीडियो एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड यू दीज पिक्स ऑफ द एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। तो अच्छे से अपन दोबारा ट्राई करते हैं, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, समझने की कोशिश करना, मैंने आज आपको क्लास जो वीडियो बनाया है मैंने बुक से बनाया है ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, कुछ पॉइंट देख सको आप। बाकी आगे की क्लास अपन वीडियो में बना लेंगे बोर्ड पर। देखो क्या बोल रहे हैं, इजी फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के एडवांटेज की। भाई पार्टनरशिप, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, पार्टनरशिप में दो व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोनों व्यक्ति किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए एक जगह आते हैं पैसा कमाने के लिए, वो पार्टनरशिप होती है। तो इसके फायदे क्या हैं? देखो, पहला है कि इट इज़ वेरी इजी टू सिंपल टू फॉर्म पार्टनरशिप। फॉर दिस, बाय वर्च्यू ऑफ द एग्रीमेंट, द पर्सन विलिंग टू डू बिजनेस कैन बिकम ए पार्टनर एंड कैन गेट देयर फॉर्म रजिस्ट्रेशन। Although more legal formalities are to be fulfilled as a compare as the sole trade business, yet is a formation is much easier to convert in than a joint stock company। ये कह रहा है कि अगर sole trade की तुलना में तो ये थोड़ा सा high level का है, लेकिन अगर joint stock company, अगर company बनाते हो उसकी तुलना में उसकी formation बहुत ही easy होता है। मैंने ये point आपको board पर समझा दिया था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, मोर मैनेजरियल स्किल। मोर मैनेजर स्किल का मतलब होता है द बिजनेस कैन बी रन स्मूथली इन हिज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द पार्टनरशिप फैसिलिटी पुलिंग ऑफ मैनेजरियल स्किल ऑफ द ऑल इट्स पार्टनर। यहाँ पे इस वर्ड पे जाओ, ऑल इट्स पार्टनर। देखो क्या होता है, जैसे एक सिंगल व्यापारी होता है, अब सिंगल व्यापारी होता है तो उसका मैनेजरिंग पावर कौन करेगा बेटा? एक व्यक्ति करेगा, सिर्फ सिंगल व्यक्ति होगा। अब सपोज करो कि आपकी एक दुकान है, यहाँ पे अपन लेते हैं कि आपकी बिजनेसमैन है, उसके अंदर बिजनेस है, उसके अंदर ए व्यक्ति है। वही तो क्या करता है, जो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आपको पता है, सबसे पहले आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर उसके बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हो, उसके बाद में बिल्डिंग बनाते हो, उसके बाद में आप उसके अंदर स्टॉक लेके आते हो, माल खरीद के लाते हो, फिर उसको सेल करते हो, और माल खरीद के लाते हो तो बाई वाली डेफिनेशन भी आ गई, बाई करते हो, सेल करते हो। तो ये एक्टिविटीज़ में आपको सैलरी भी देनी होती है व्यक्ति को रखने वाले की। तो ये सारे काम एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर बी, अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस बी कर देता हूँ, प्लस बी का मतलब यहाँ पे ये बिजनेस हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो यही काम ये बी भी करेगा, सेम हियर। तो मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो तो ये काम लेगा, और मिस्टर बी के अंदर जो कैपेसिटी थी वो काम करेगा। अब हो सकता है कि मान लो इसकी स्किल बहुत अच्छी हो, इसकी माल खरीदने में अच्छी हो, इसकी बेचने में अच्छी हो, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट कि अगर सोल ट्रेड की तुलना में अगर अपन देखें तो पार्टनरशिप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। तो इफ देयर आर द 2 or more persons कम टुगेदर टू डू द बिजनेस, देन यू नो दैट कि देयर विल बी एक्स्ट्रा स्किल्स पावर, एक्स्ट्रा मैनेजर पावर, देन देयर विल बी एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा अर्निंग। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजरल जो स्किल है, जो मोर मैनेजर स्किल है, ये पॉइंट आपके कल आ गया होगा समझ में। कंटिन्यू करते हैं अपन आगे, पॉइंट नंबर थर्ड, बहुत ही ईजी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सीक्रेसी अकाउंटेंट, सीक्रेसी ऑफ अकाउंट्स। सीक्रेसी ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया कि भैया कंपनियां होती है, अब देखो समझना, कंपनियां होती हैं जो बड़े लेवल पे काम करती है, उन कंपनी को क्या करता है करना होता है बेटा, अपने जो रिपोर्ट होती है उनको आपको डिस्क्लोज करना होता है, न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, पब्लिश करवानी पड़ती है, अखबार में दिलानी पड़ती है, मैगजीन में दिलानी पड़ती है। कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, सोल ट्रेड की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम हम पढ़ क्या रहे हैं, पार्टनरशिप का एडवांटेज। लेकिन पार्टनरशिप में एक एडवांटेज है कि उनको नहीं करना पड़ता, पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, उनको न्यूज़पेपर में देने की जरूरत नहीं है, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो अपना पास रख सकते हैं। देखिए इसमें देखते हैं, ए पार्टनरशिप कंसर्न इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पब्लिश इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप कंसर्न इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पब्लिश, जरूरी नहीं है, इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज नेसेसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जैसे उसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हैंस इट इज एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट का मतलब छुपा के रखना, ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन अपने बिजनेस की, विच इंक्रीज द प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट इन द फर्म। जो प्रॉफिट कमाते हैं अपन फर्म के अंदर उसको अपन क्या कर सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको कोई क्यूरी हो बेटा तो मेरे को 9 to 11 आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बाद में भी पूछ सकते हो, लेकिन बाद में मेरे को टाइम कम मिलता है, मैं ऑफिस में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट
कोशिश करूंगा कि 9 से 11 के बीच में आपको, अगर आप क्यूरी पूछोगे तो नेक्स्ट डे आपको जवाब मिल जाएगा। आगे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। बहुत ही प्रैक्टिकली पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको हर चीज़, बहुत ही प्रैक्टिकली। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, मोर क्रेडिट स्टैंडिंग। अब मोर क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब इतना सा मान लो कि मिस्टर, जैसे आपके पापा है मिस्टर आर, अब एक बात तो एक व्यक्ति की आपकी, आपको आपको भी पता है कि कैपेसिटी कितनी होती है भाई। इस व्यक्ति के पास उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है उसकी उतनी कैपेसिटी होगी ना, तो उसका मतलब बैंक और रिलेटिव ये अपन को पैसा उधार देने वाले होते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिट फैसिलिटी। ये जो फाइनेंशियल क्रेडिट फैसिलिटी अपन को एक व्यक्ति की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं मिल सकती। लेकिन अब मान लो कि मिस्टर पी वो भी आपका पार्टनर बन गया, क्या बन गया, पार्टनर बन गया, तो इसकी भी थोड़ी बहुत तो कैपेसिटी है ही ना, इसकी भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी है, इसने भी पैसा लगाया है, ये भी बैंक से थोड़ी उधार लेगा और ये भी आपको क्या करेगा अपने रिलेटिव से पैसे दिलाएंगे, तो सेम दो व्यक्ति हो गए। फिर मिस्टर क्यू, इसको आप लेके आ गए। फिर मिस्टर आर, ये आर तो था अपने पास, एस, फिर मिस्टर टी। ऐसे मान लो कि अगर आप पार्टनर आपके बढ़ते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रेडिट उधार की फैसिलिटी, मतलब हमारे पास पैसा है ना, जो पैसा चाहिए हमें, कैपिटल चाहिए, उसकी व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। देख दो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर बींग अनलिमिटेड, दे विल बी एबल टू राइज मोर फाइनेंशियल और लोन एज कम्पेयर टू द सोल ट्रेड। देखो एक व्यक्ति की तुलना में, एज कम्पेयर टू ए सोल ट्रेड, सिंगल व्यापारी की तुलना में वो फाइनेंशियल फैसिलिटी और लोन की फैसिलिटी राइज मोर का मतलब ज़्यादा कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड इट दिस, इसके कारण क्या है, द लिमिटेड रिसोर्सेज इज सोल ट्रेड वेयर इज इन पार्टनरशिप द पर्सन्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज द इकोनॉमिक रिसोर्स, ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा। बड़ी मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। ये समझ लो कि आपके पापा जी के पास कैपेसिटी कितनी है, फिर आपके चाचा जी ने और मिला दिया, आपके ताऊ जी ने मिला दिया, आपके मम्मी भी कमाती है, तो समझो जितने व्यक्ति कमाएंगे, जितने व्यक्ति मिलेंगे उतनी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा है ना, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है घर का काम, समझ लो। ऑपरेशन का मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, संचालन। संचालन का मतलब काम काज को करना। अब एक बात बताइए, एक तो मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक ही आदमी बेचारा चारों ओर से घिरा हुआ होता है, जैसे आपकी मम्मी रसोई में सारे दिन काम करती है। अब सपोज करो कि आपकी दीदी है वो बाहर रहती है डेली, लेकिन वो छुट्टियों में लॉकडाउन में घर पर आई हुई है, तो मुझे एक बात बताइए, आपकी मम्मी की थोड़ी सी भी अगर वो हेल्प करती है, या आप दीदी की क्यों आप खुद नहीं कर सकते, कि आप खुद करते हो स्वयं, आप खुद भी काम करते हो, तो एक बात, तो मम्मी का हाफ जो काम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत काम पापा जी करते हैं तो इसका मतलब हमारे घर के अंदर अगर सब मिलकर हम काम करते हैं तो जो हमारे दिन की डेली एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन के जो काम है वो बड़े ही अच्छे तरीके से चलेंगे और हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हम सोच रहे हैं कि मम्मी पर ही सारा काम डाल दें, सिर्फ मोम पर ही अपन सारा काम डाल दें, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो ऑपरेशन क्या होगा, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझने की क्वेश्चन करते हैं। देखो, देयर इज़ नो स्टेचुरी ऑब्लिगेशन टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर मेकिंग चेंज इन द बिजनेस सेटअप। हम ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नो स्टेचुरी का मतलब वैधानिक, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व है, यहाँ पे कोई विधान के द्वारा दायित्व नहीं है, टू सीक मतलब ढूंढने के लिए अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर मेकिंग, गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है बिफोर मेकिंग चेंज इन बिजनेस सेटअप, बिजनेस को चेंज करने के लिए। देयर कैन बी चेंज इन मैनेजरियल सेटअप, देयर कैन बी, आप खुद चेंज कर सकते हो क्या मैनेजरियल सेटअप, कि किसको मैनेजर बनाना है, किसको सुपरवाइजर बनाना है, साइज नेचर एंड दी चेंज कैन बी मेड इजिली विद द कॉमन कॉन्शियस ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सारे पार्टनर मिले हुए हो तो कैसे भी अपने अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साइज छोटे कर सकते हैं, सेटअप करते हैं, बट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही छोटी होती है। यहाँ पे इसने बोला कि फ्लेक्सिबल वर्ड जो यूज़ किया ना, अच्छा इस ऑपरेशन के साथ मैंने वो एक वर्ड नहीं जोड़ा, इसको बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंजेबल, चेंजेबल, चेंज, फ्लेक्सिबल का मतलब चेंजेबल का मतलब अकॉर्डिंग टू
जैसे रबर होता है, रबर, रबर का क्या नियम है, रबर क्या होता है, जैसी जगह होती है वैसे उसके अंदर गुजरता है, मोम होती है, पानी होती है, आप जैसे आपको जगह दोगे ना उसे वो अपने आकार बना लेता है, ठीक है। तो साइज सेटअप करना ये बड़ा ईजी होता है पार्टनरशिप में, क्योंकि ज़्यादा पार्टनर तो होते नहीं, 50 से ज़्यादा पार्टनर तो हो नहीं सकते, तो 50 से ज़्यादा अगर पार्टनर नहीं हो सकते हैं तो आप ये समझ लो कि वो फ्लेक्सीबल भी कर सकते हैं अपना काम, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। तो अभी इसी इतने पॉइंट अपन ने देखे, 5 मिनट इनको समझने की कोशिश करना, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।